वहीं वायनाड में आए भूस्खलन का मुद्दा बुधवार को राज्यसभा में भी उठा। सदन में इस पे चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी सदन को दी। साथ ही उन्होंने केरल राज्य पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने तो 23 जुलाई को एनडीआरएफ की 9 टीमें केरल भेजी थी, लेकिन केरल की सरकार ने लोगों को शिफ्ट कराने के लिए क्या किया। अमित शाह ने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो सिर्फ भारत में है, 7 दिन पहले इसका अनुमान मिल जाता है, सिर्फ 4 देश ऐसा करते हैं, उसमें से भारत भी एक है। अमित शाह ने कहा कि एसडीआरएफ में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से इशू कर सकता है। आपदा के नाम पर 10% खर्च करे तो कोई नहीं पूछता, लेकिन 90% खर्च गाइडलाइंस के हिसाब से करना पड़ता है। मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय आपके माध्यम से, सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई, 7 दिन पहले। फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर 0 कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है।